10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 plus 5 seconds. Lift off normal. Here we have a majestic lift off of LBM-3 M4 rocket carrying India's prestigious Chandrayaan-3 spacecraft. P2 tracking. प्रज्वलन और सफलतापूर्ण उत्थापन LBM-3 M4 रॉकेट का। यह भीमकाय रॉकेट आसमान को चीरते हुए अपनी भयानक दहाड़ से चारों ओर कंपन उत्पन्न कर रहा है, इसे हम यहाँ महसूस कर सकते हैं, और यही दहाड़ है जो वैज्ञानिकों को रोमांचित करती है। LBM-3 के उत्थापन के साथ ही हमारे अंतरिक्षयान चंद्रयान-3 की चंद्रमा की यात्रा प्रारंभ हो चुकी है। As the rocket is soaring through the clear skies, every second moving closer to the accomplishment of the most important milestone in its mission to Moon. Every Indian witnessing the launch live is content with the feeling of watching history in the making. चंद्रमा की सतह पर अपना छाप छोड़ने के लिए चंद्रयान-3 अपने मिशन को पूरा करने निकल चुका है। वर्तमान में दोनों S-200 स्टेप ऑन बूस्टर सामान निष्पादन करते हुए अपनी निर्दिष्ट कक्षा की ओर बढ़ रहे हैं। The S-200 motors thrusting simultaneously generating a peak thrust of close to 6000 kilonewtons in vacuum. They are made of HTPV based solid propellant. 204.5 tons in each strap on. Close to 2 tons of propellant being burnt each second. S-200 स्ट्रैप-ऑन बूस्टर्स का कुल प्रज्वलन काल 126 सेकंड का है, और अभी अभी घोषणा की गई L-110 स्टेज का भी प्रज्वलन शुरू हो चुका है। अपार्ट फ्रॉम द स्ट्रैप-ऑन्स, द कोर स्टेज हैज आल्सो कमेंस्ड इट्स ऑपरेशन। दिस स्टेज बेस्ड ऑन कॉम्बिनेशन 200 स्टेजेस आर सेपरेटेड ऑफ हाइपरबोलिक Earth storable liquid propellants UH-25 and N-204. Now the S-200s have been separated. घटनाक्रम के अनुसार यह यान इस यान से S-200 स्ट्रैप-ऑन बूस्टर्स को सफलतापूर्वक पृथक कर दिया गया है। यह काम सेपरेशन मोटर्स की मदद से किया जाता है। इसके बाद L-110 तरल नोदक पर आधारित और विकास इंजन के साथ यह चरण सामान्य निष्पादन करता हुआ अपने उद्दिष्ट कक्षा की ओर बढ़ रहा है। अब यान क्लोज लूप गाइडेंस के अंतर्गत है। L-110 स्टेज परफॉर्मेंस नॉर्मल। द ट्रैजेक्टरी ऑफ लॉन्च व्हीकल इज क्लोजली फॉलोइंग द प्रेडिक्शन। पेलोड फेयरिंग सेपरेटेड। जी हाँ, पेलोड फेयरिंग को पृथक कर दिया गया है यान से, क्योंकि यान अब 114.8 किलोमीटर की ऊंचाई प्राप्त कर चुका है। इस चरण का कुल प्रज्वलन काल 200 सेकेंड होता है, और इस दौरान यह करीब 1600 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न करता है। We are 220 second past the launch time. Current altitude is 135 kilometers. In the 200 seconds of its operation, the L-110 stage carries the rocket up to 175.5 kilometers altitude and imparts a relative velocity of 4.18 kilometers per second, that is 250 kilometers every minute. L-110 stage performance normal. LBM-3 M4 रॉकेट का द्वितीय चरण पूर्णतः सामान्य निष्पादन करते हुए इस चरण में कुल 113 टन के तरल नोदक भरे जाते हैं। N-204 तथा UH-25 अर्थ स्टोरेबल प्रोपेलेंट को ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है इस चरण में।
liftoff stage ignition is authorized. अगला चरण C25 का प्रज्वलन भावी है. Plus 5 minutes. One ton stage thrust cut off and separated. C25 ignition command. 25 ignition confirmed. That's a piece of really good news that the third stage has started its operation. The C25 stage has been ignited. जी हाँ, एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया होती है क्रायो इंजन का इग्निशन, और इसके प्रज्वलन के साथ ही तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा है मिशन नियंत्रण कक्ष. तृतीय चरण C25 वर्तमान में प्रणोद उत्पन्न कर रहा है. पूर्णतः सामान्य, सभी तंत्र पूर्णतः